नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि ब्रेकआउट दिया है, जबरदस्त का ब्रेकआउट है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी एनालिसिस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, क्या कंपनी का फंडामेंटल्स इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करता है, क्या यहाँ से आपको जो है, अगर आप 6 मंथ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको एक जो है 20% 50% या 100% तक का रिटर्न ये शेयर दे सकता है। तो इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये शेयर जो है काफी दिनों से रेंज बाउंड था, तो उस रेंज को ब्रेक किया है, तो ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट है। क्योंकि जितना अधिक समय तक के लिए रेंज बनाता है कोई स्टॉक और फिर उस रेंज को ब्रेक करता है, तो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो उतना ही जबरदस्त कहा जाता है। तो दोस्तों, ये शेयर है हमारा गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर देखिए, ये रेसिस्टेंस था इस स्टॉक का और ये सपोर्ट था नीचे, और इस 300 का सपोर्ट कहिए और ऊपर 380 का रेसिस्टेंस था, इसी रेंज में ये लगातार ट्रेड कर रहा था। पीछे चलते हैं, देखिए पीछे चलते जाइए, यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से जो अब मार्च में गिरावट था, मात्र उसी समय इस रेंज को ब्रेक किया था और उसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी तेजी से इसी रेंज में आकर के ये ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देख लीजिए 385 कहिए और नीचे 300, इसी रेंज में स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी समय से इस स्टॉक ने इस रेंज में ट्रेड किया है, तो जब जितना लंबा वक्त तक किसी भी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता है और उस रेंज को ब्रेक करता है, तो वो ब्रेकआउट उतना ही जबरदस्त होगा। साथ ही साथ यह वॉल्यूम का सपोर्ट देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त आया है। अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर देखना है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर ओपन होता है अगले दिन, तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से लगातार 450 तक जा सकता है। पहला ये रेसिस्टेंस ऊपर बनता है इसका, दूसरा रेसिस्टेंस है हमारा 485 का, तो इसका जो टारगेट होना चाहिए ब्रेकआउट पे, तो वो सिंपल जो कोई भी स्टॉक का टारगेट होता है, ये जो रेंज बनाया ये 80 रुपीज़ का था, तो यहाँ से पहला जो टारगेट होगा वो 80 रुपीज़ का होगा। तो पहला टारगेट आता है 460 रुपीज़, क्योंकि 380 पे ये ब्रेकआउट दिया, तो 460 इसका पहला टारगेट होगा। क्योंकि जो रेंज बनाया यहाँ पर, वही रेंज जो है आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं ब्रेकआउट होने पर। फिर जो दूसरा यहाँ पर रेसिस्टेंस आता है इसके ऊपर, ये तो छोटा सा मतलब एक रेंज है, कोई भी रेसिस्टेंस होता है एक रीजन होता है, तो ये 460 से लेकर के 485 ये रीजन है जो कि यहाँ पर रेसिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर सकता है, तो पहला टारगेट हो गया। फिर यहाँ पर हो सकता है कि ये यहाँ पर कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो 600 मतलब 590 से लेकर 600 इसका दूसरा टारगेट होगा, और फिर यहाँ पर ऊपर निकलता है तो 650 रुपीज़ इसका आपका तीसरा टारगेट होगा, और वहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर आपका 800 जो कि एक ज़बरदस्त टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिटर्न होगा वो 100% होगा। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी होल्ड भी करना पड़ेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। अगर वीकली चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक जो है काफ़ी मतलब पहले महंगा हुआ करता था और काफ़ी समय से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक पहले 900 रुपीज़ का हुआ करता था, वहाँ से स्टॉक में गिरावट आता है और ये स्टॉक जो अपना लो बनाता है 170 रुपीज़ का, 170 रुपीज़ का लो बनाया 900 रुपीज़ से। इतना बड़ा गिरावट था इस स्टॉक में, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपका रिटर्न जो है लगभग डबल हो जाता, डबल से भी अधिक होता। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक के परफॉर्म नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक देखते हैं जब ये 2018 में 900 रुपीज़ का था, तो अभी तक ये स्टॉक मात्र 400 रुपीज़ का क्यों है? क्योंकि जो ये बुल रैली है, इस बुल रैली में कई सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं, तो ऐसे में ये स्टॉक जो है इतना अंडर परफॉर्म क्यों है? तो इसका कारण है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी आप जानते हैं कि जो PSU स्टॉक है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका जो प्रमोटर्स है वो गुजरात गवर्नमेंट है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल है मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। यहाँ पर चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स इस कंपनी का सपोर्ट नहीं करता। जो टारगेट मैंने आपको बताया कि यहाँ 800 तक ये जा सकता है या कहीं 600 तक ये जा सकता है, पहला तो 460 टारगेट है, लेकिन ये टारगेट अचीव करने में
फंडामेंटल का सपोर्ट होना काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप सेल्स कंपनी का जो सेल्स है 2380 करोड़ का है और ये सेल्स देखिए लगातार डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए मार्च 19 में ये सेल्स था 3000 का, फिर यह हो गया 2700 का, फिर यहाँ 2300 का सेल्स हो गया, तो सेल्स में काफ़ी डिक्रीज हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 19 में ये नेट प्रॉफिट था 690 करोड़ का और वहाँ से प्रॉफिट डिक्रीज होकर के 20 में हो गया 333 करोड़ का और वहाँ से लगातार डिक्रीज होकर के 144 करोड़ का ये मात्र प्रॉफिट बचा है। तो प्रॉफिट में लगातार डिक्रीज देखने मिला है इस कंपनी के। और वहीं कंपनी की हम बात करें तो जो फंडामेंटल्स है उसमें कंपनी का फंडामेंटल्स तो आपको ठीक ठाक देगी, लेकिन जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो जब रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार डिक्रीज हो रहा है तो कंपनी का परफॉर्मेंस निश्चित रूप से घटेगा। और वहीं कंपनी के शेयर का प्राइस की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है 52 वीक लो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 302 रुपीज का, क्योंकि मार्च में ही अपना लो बनाया था 175 का, तो यहाँ पर लो आपको मात्र 300 का दिखा रहा है 52 वीक लो। और मार्केट कैप 3000 करोड़ का है और यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग 46% का है कंपनी में। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है देखिए माइनस में 70%, मतलब कंपनी का प्रॉफिट 70% से डिक्रीज हो चुका है, जो कि आपको शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको 70% नीचे मिल रहा है। तो सीधा समझिए कंपनी का अगर सेल्स, अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो आपका शेयर प्राइस भी उसका मतलब शेयर का प्राइस भी डिक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। वहीं कंपनी रिजर्व की बात करें तो रिजर्व है कंपनी के पास 4771 करोड़ का, डेट है कंपनी के ऊपर 110 करोड़ का और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1471 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी मतलब नीचे मिल रहा है, शेयर प्राइस काफ़ी कम हो चुका है, तो डिविडेंड यील्ड आपको ज़्यादा देखने मिलेगा ही। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है तो किसी भी कंपनी के शेयर का जो डिविडेंड यील्ड होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स जो है सारे अच्छे खासे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर एक ही मतलब दिक्कत है कि कंपनी का प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ देखने नहीं मिला है। अगर इन्वेस्टर की बात करें प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा है प्रमोटर्स के स्टेक पर। वहीं एफआईज का देखिएगा तो एफआई लगातार इसमें अपना स्टेक घटा रही है, डीआईज इसमें लगातार अपना स्टेक घटा रही है, क्योंकि ये स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहा है वैसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कि कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के जाइएगा तो प्रोडक्ट में देखते हैं केमिकल कंपनी है, जबकि और जो प्राइवेट केमिकल कंपनी है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप जो भी देखिए नवीन फ्लोरी देखिए, अतुल लिमिटेड देखिएगा, एल्काइल एमिन्स देखिए, जो भी कंपनी आप छोड़ करके ले लीजिए प्राइवेट कंपनियाँ जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है केमिकल सेक्टर की, लेकिन ये स्टॉक में आपको कुछ खास मतलब मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है, तो इस स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कास्टिक सोडा बनाती है कंपनी, कास्टिक पोटाश बनाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्रुप के प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशल क्लोरीन डेरिवेटिव्स ग्रुप्स के प्रोडक्ट बनाती है, तो इस तरह से फास्फोरिक ग्रुप का जो प्रोडक्ट है वो बनाती है, तो ये सारे प्रोडक्ट है जो कि ये कंपनी बनाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। आपको मैंने टारगेट भी बता दिया, अगर स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना है तो जस्ट इस ये जो सपोर्ट रीजन, इसका रेसिस्टेंस रीजन जो कि आप सपोर्ट बन गया इसके जस्ट नीचे आपको लगाना है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो है छोटा सा आपका बनता है 370 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 360 का, और यहाँ पोजिशन चाहे तो आप बना सकते हैं। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आप स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाएंगे, अगर ब्रेकआउट यहाँ से कंटिन्यू रहता है तो अच्छा खासा आप शॉर्ट टर्म में यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।